नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक खूबसूरत सा डिजाइन बनाने बताऊंगी जो बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत बनता है। इसको आप दो दो लाइन भी दे सकते हैं, बीच बीच में दो दो लाइन दे सकते हैं, तीन तीन लाइन भी दे सकते हैं, या इसे अकेले अकेले भी दे सकते हैं। इस तरह से पूरे स्वेटर में भी इस तरह का डिजाइन दे सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। और इससे बनाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास दी हुई घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, और इससे हमारे सारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए, आप स्वेटर के अनुसार आप फंदे डाल लीजिए सिलाई में। जितने फंदे आपको डालने हैं, जितने बड़े स्वेटर बनाने हैं, उसके अनुसार आप फंदे डाल लीजिए। और फंदा डालने के बाद आपको जैसा बॉर्डर बनाना हो उस तरह का बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद देखिए, हम अब ये डिजाइन शुरू करेंगे। तो डिजाइन के लिए हम सबसे पहले देखिए, ये पहला फंदा को हम सीधा से उतार लेंगे। फिर हम धागा को देखिए, हम पहला फंदा को उतार लेंगे, उसके बाद धागा को हम आगे करेंगे और एक फंदा को हम उल्टा बना लेंगे। देखिए इस तरह से उल्टा बना लेंगे। फिर धागा को पीछे करेंगे और दो फंदा को हम इस तरह से एक साथ धागा ऐसे सिलाई डालेंगे एक साथ में बीच से, और उसके बाद दोनों फंदा को हम एक फंदा बना देंगे। फिर इसको गिरा देंगे और आगे वाला जो फंदा है इसको हम इस तरह से नीचे से उठा लेंगे। फिर हम इसको एक सीधा बना देंगे। देखिए इस तरह से हम सीधा बना लेंगे। फिर धागा को आगे करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। फिर धागा को पीछे करेंगे और दो फंदा के बीच से ऐसे सिलाई डाल करके इसको हम एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से एक फंदा बना लेंगे और इसको हम दोनों को गिरा देंगे और आगे वाला फंदा को हम नीचे से ऐसे उठा लेंगे। फिर जो है हम इसको एक फंदा सीधा बना देंगे। देखिए इस तरह से सीधा बना देंगे। धागा को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा को पीछे करेंगे और दो फंदा एक साथ में बिन लेंगे। फिर धागा को दोनों को गिरा देंगे और आगे वाला फंदा को इस तरह से उठा करके और फिर इसको हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। फिर धागा को आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। तो हम पूरी सिलाई बना लेते हैं इस तरह से। हम पूरी सिलाई बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम पूरी सिलाई यहाँ बना के आपको दिखाते हैं। इसको हम जैसे बनाते हैं उस तरह से पूरी सिलाई बना लेंगे। देखिए हम यहाँ पर पूरी सिलाई बना लिए हैं। लास्ट में जो एक फंदा है इसको हम धागा को आगे करके उल्टा बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम आ जाते हैं उल्टे के तरफ से। हम यहाँ पर पूरी सिलाई उल्टा बना लिए हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे के तरफ से। तो सीधे के तरफ से जैसे कि हम पहला फंदा को उतार लिए, फिर धागा को आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। उसके बाद फिर धागा को पीछे करेंगे और जिस तरह से पहले बनाए थे कि दो फंदा को एक फंदा कर देना है, तो दो फंदा को हम एक फंदा कर लेंगे और धागा दोनों फंदा को ऐसे गिरा देंगे और आगे वाला फंदा को इस तरह से उठा करके फिर से इसको सीधा बना देंगे। तो इस तरह से जैसे कि हम पहले में बनाए थे उसी तरह से अब ये दूसरा तरफ से भी उसी तरह से बनेगा। यानी कि एक सिलाई पर ये डिजाइन बन जाता है। तो इस तरह से हम जितना भी सिलाई होगा, जितना भी बड़ा स्वेटर बनाना हो, इसी तरीके से बनाते जाएंगे। तो हम बना लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। देखिए ये हमारा डिजाइन बन करके तैयार हो गया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।